हेलो बच्चों लेटेस्ट रीड द क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d ओवर dx इन d ओवर dx dy ओवर dx होल क्यूब इज इक्वल टू 0 इज ऑप्शन ए 2 ऑप्शन बी 3 ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 0 तो so, सबसे पहले हम इसके लिए की कांसेप्ट को समझ लेते हैं की कांसेप्ट तो इसके लिए कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमें पता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर का मतलब होता है हायर डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव और डिग्री का मतलब क्या होता है डिग्री का मतलब होता है पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव तो अब हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स हमें डीवाई ओवर डी एक्स ये होल क्यू और इज इक्वल टू जीरो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं एक बार तो हम इसको चेन रूल की हेल्प से करेंगे तो इसमें हम d ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे क्या होता है एनएक्स की पावर एनएक्स की पावर एन माइनस वन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री आगे आ गया जाएगा तो थ्री डी वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर अब हम यहाँ पे डीवाई ओवर डी एक्स का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू जीरो तो ये हमारी डिफ़रेंशियल uh, इक्वेशन आ गई है तो अब हम इसका ऑर्डर देखते हैं ऑर्डर क्या होगा ऑर्डर का मतलब हायर डेरिवेटिव तो इसमें हायर डेरिवेटिव क्या है टू है तो ऑर्डर इसका टू हो जाएगा और डिग्री का मतलब डिग्री का मतलब पावर ऑफ हायर डेरिवेटिव तो इसकी तो इसकी पावर कितनी है वन है तो डिग्री कितनी हो जाएगी वन हो जाएगी तो हमसे क्वेश्चन में सम पूछा गया है तो ऑर्डर प्लस डिग्री का सम पूछा गया है तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री तो हमारा आंसर है थ्री थ्री तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए तो यहां से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है ऑप्शन बी इज करेक्ट होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक